है क्या जिसका पेड़ है पपाया का पेड़ बचाया जाए कहीं लगा के गाइस कहीं मर का जिंदगी जैसे इम्पोर्टेंट है ऐसे पेड़ का भी जिंदगी इम्पोर्टेंट इसका हम जीवन अभी बचा लेते हैं तो ये हमें बेनिफिट में फल देगा अब समझ रहे एक तो लगा दिए हैं अब दूसरा कहाँ लगाएगा गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग तो कैसे हो आप लोग आए बढ़िया होंगे मस्त होंगे एक नंबर सोमवार अभी हम सोमवार को सो के उठे हैं गाइस कितने बजे 9 बजे उठे हैं सोमवार को गाइस सो के और अभी अब क्या करना है देखते हैं क्या करना है गाइस आगे आज तो महादेव को भी याद करना होगा और तो लेट हो गया सो के उठने में 10:30 बज गया मेरा और बिहार में गर्मी तो बहुत ज़्यादा है गाइस तो जान ही रहे हो यार उठने का जी नहीं करता है फिर भी उठना पड़ता है घर है यार घर में तो नो एक्सक्यूज गाइडलाइन बहुत है मेरे घर में यार एक एक गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है क्या बताएं हम बहुत ज़्यादा तो अभी करना क्या है चाय पीते हैं गाइस चाय के लिए ऑर्डर देते हैं मम्मी इधर आइएगा नहीं इधर आइए ना मम्मी गाइस दूसरे वाले फ्लैट में अब मम्मी को बोलते हैं चाय बनाने के लिए तभी से हम सोए होते हैं इसलिए मम्मी बेचारी आई नहीं हमें उठाने के लिए ना चाय देने के लिए तो हम लेट से उठ रहे हैं गाइस अभी कोई ना देखते हैं सुबह प्रॉपर उठते हैं 9 बजे हम कोशिश करेंगे गाइस प्रॉपर 9 बजे उठने का चाय ये देखो ये दवाई मिक्स हो रहा है ये दवाई कौन सा दवाई है ऑल किल 71 इससे पूरा किल्ड किया जाएगा ये सारा जंगल को ये देखो सारा जंगल को किल कर दिया जाएगा मार दिया जाएगा इससे पता है आपको ये गाइस इतना डेंजर दवाई है 2 दिन में पूरा जंगल सूख जाएगा ये कितना ग्रीनरीज है ना यहाँ पे बंदे कोई होते नहीं है बट ये जंगल बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे इसे सुखाना है जंगल को इतना ज़्यादा जंगल है गाइस इसे बस इसे छींटने के बाद 2 दिन में सारा जंगल मार दिया जाएगा और ये देखो बारिश वारिश के कारण ये सारा जंगल हो गया है और आपको 2 दिन के बाद इसका हम एग्जाम्पल भी दिखाएंगे ये मशीन है इलेक्ट्रिक मशीन है ऑटोमेटिक ये स्प्रे होता है आपको स्प्रे करके बताएंगे और हम आपको बता रहे हैं स्प्रे कौन कर रहे हैं बेचारे ये लंगू है स्प्रे इसलिए हम बता ले सकते हैं स्प्रे कौन कर रहे हैं गाइस तो ये दिखाने से मना कर रहे हैं हमें ये बोल रहे हैं मेरे इधर मत दिखाओ हम अभी लंगू पंगू बैठे हुए हैं ये देखो गाइस स्प्रे कैसे होता है देखो ये देखो स्प्रे हाँ तो सही है अगर ये लेबर से आप करवाओगे तो लेबर वाला 500 रुपये 1000 रुपये ले लेगा ये अगर आप स्प्रे मार दिए तो आधे घंटे में गाइस कहानी ख़त्म ये ऑटोमेटिक सूख जाएगा और ये दवाई इतना ज़्यादा डेंजरस है इतना ज़्यादा डेंजरस है अगर आप इसे खा लेते हो फिर आप भगवान के पास सीधा मिलोगे आ जा रहा है स्कूल से आ रहा है ये बच्चा पढ़ के ये देखो स्प्रे कैसे हो रहा है देखना ये नाक में ना चला जाए डेंजरस है ये अगर नाक में भी चला जाएगा फिर भी हार्म करेगा बहुत ज़्यादा हार्म इससे आप बताएं अगर आप मजदूर से करवाते तो ज़रूर है कि 500-1000 रुपये आपका वेस्ट हो जाता ये थोड़ा दिमाग के चालू बंदे हैं ये सोचे चलो भाई स्प्रे के साथ ही कर दिया जाए सांप वाँप भी है इसमें 2-3 सांप दिख गया था इसलिए स्प्रे करना ज़रूरी है क्योंकि बारिश का समय है स्प्रे स्प्रे करके रखना चाहिए यार साफ़ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि सांप वाँप इधर से ही आता है ये देखो गाइस इधर देखो कितना बड़ा बड़ा जंगल हो गया ना सांप वाँप इधर से निकल जाता है इसलिए इसे स्प्रे स्प्रे करके पूरा जंगल को मार दिया जाएगा अगर ये आँख वाँख में चला गया मुँह में चला गया ये बहुत ज़्यादा हानि करेगा सीधा पॉइजन है आप समझ रहे हो जब जंगल को जला दे रहा है तो अगर आदमी पे छीट दिया जाए तो क्या सब्जी भी लगाया गया कोई पड़ोसे वाला आदमी है वो सब्जी उब्जी लगाया है उसका भी बोले चल एक सब्जी उड़ाए दे छियो मतलब ये थोड़ा ठेठी लैंग्वेज है आप लोग लैंग्वेज हमारा नहीं समझ पाओगे ठेठी अगर हमारा कौन कौन ठेठी लैंग्वेज समझ जाते हो तो कमेंट करके जरूर बताना मुकेश भैया अगर घेरो उड़ाए बाकी कहीं जड़ मने लागी जाओ जड़ सूखी जेते सब्जी तो भैर लो जाए कम से कम ठेठी में समझाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा और आपको 2 दिन के बाद दिखाएंगे पूरा ये सूख के बंजर हो जाएगा बंजर पूरा ग्रीनरीज पेड़ में अगर आप ये डाल देते हो ये पॉइजन तो ये सीधा वो पेड़ को भी सुखा देता है कितना भी विशाल पेड़ हो वो पेड़ सूख जाएगा अगर आप थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाते हो तो ये काम कर सकते हो आप 500-1000 रुपये मजदूर को ना दे जिसका पेड़ है पपाया का पेड़ है ये बिल्कुल खुद उगा है ये पपाया का पेड़ है इसे कहीं और लगा दिया जाएगा गाइस अगर यहाँ पे भी स्प्रे में ये भी मारा जाता है बेचारा एक जीव खत्म हो जाता है एक तरह से समझो तो तगड़ा चीज़ है यार ऑटोमेटिक हो गया ये पपीता का पेड़ बताना इसे अब कहीं और लगा दिया जाएगा क्या पता कहीं से पपीता हो जाए बट इसे कहीं और लगाया जाएगा गाइस जिंदगी बचाया जाए कहीं लगा के गाइस कहीं मर ना जाए ये अगर ज़्यादा देर इधर उधर रहा तो फिर मर जाएगा आदमी का जिंदगी जैसे इंपॉर्टेंट है ऐसे पेड़ का भी जिंदगी इंपॉर्टेंट है गाइस इसलिए आप लोग भी पेड़ वेड़ अच्छे से लगाया करो जो कि हमें ऑक्सीजन अच्छे से मिलते रहे और हमारा देश ग्रीनरीज रहे मूवमेंट जिससे ये पेड़ को लगाना और ये कैंपस में लगा देते हैं गाइस इसका जीवन बच जाएगा ये भी हमारा ही कैंपस है इसे लगा दिया जाए अच्छा जगह ये अमरूद का पेड़ है देखो इसमें अमरूद भी बहुत ज़्यादा आया है आपको दिखाते हैं कितना ज़्यादा इसमें अमरूद आया होगा
बहुत ज़्यादा आया, पक भी बहुत ज़्यादा गया इसमें। अब इसे लगाएं कहाँ, ये हम जगह देख रहे हैं यार, कहाँ लगाया जाए इसे। जंगल भी तो इतना ज़्यादा है, डर भी लग रहा है आ गया पैर बढ़ाने में, कहीं सांप वाँप ना हो, क्योंकि सांप भी तो होता है। इसका हम जीवन अभी बचा लेते हैं तो ये हमें बेनिफिट में फल देगा, अब समझ रहे हो। इसका जीवन बचाना इसलिए मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है, ये पपाया का ट्री है यार। सभी तभी से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कहाँ लगाएं इसे, तभी से वही सोच रहे हैं कहाँ लगाया जाए जहाँ पे पानी वानी भी ना लगे। अगर पानी लगेगा तो ये फिर गाछ सूख जाएगा, पूरा पूरी सूख जाएगा। ये पपाया पेड़ में पानी नहीं लगना चाहिए, ये थोड़ा ऊंचा जगह में होना चाहिए। यहाँ पे लगाया जाएगा। तीनों पेड़ आपको दिखाते हैं, तीनों पेड़ कहाँ लगाए, आ जाओ। इतना ज़्यादा थक के गाइस, अब देखो ये बच जाए बस। यहाँ लगाएं दूसरा, देखो यहाँ पे लगाएं दूसरा, ये कहाँ चला गया, ये दूसरा गाइस, और तीसरा वहाँ पे लगाएं, उधर लगाएं गाइस। अभी उधर लग रहा था सांप वहाँ आ गया इसलिए हम भागे उधर से स्पीडली। आज गाइस एक काम हो गया एक तरह से, देखो अब तोड़ा जाए अमरूद यार। अंदर भी जाने में डर लग रहा है सांप वहाँ का, सांप वहाँ तो इसमें पक्का होगा, पक्का 110 होगा, क्योंकि कोई तो रहता नहीं है इधर और ना सफाई होता है। देखो अमरूद कहाँ है ये भाई, अमरूद छोड़ो, अमरूद बाद में तोड़ लेंगे यार, बाद में आके। अब इसे लगाना है सबसे बड़ा टास्क, ये गेट को बहुत स्ट्रगल से लगता है ये गेट। फाइनली गेट लॉक हो गया। अब गाइस नहाया जाए क्योंकि आज है मंडे, मंडे को तो नहावा के खाना चाहिए यार, पूजा पाठ भी करना चाहिए। तो चलो अब नहाते हैं फिर आपको मिलते हैं गाइस। फाइनली हम नहावा लिए और ये देखो मच्छर कितना काटा यार, वो कैंपस में पपीता का पेड़ लगाने में इतना ज़्यादा मच्छर काटा, इतना ज़्यादा मच्छर काटा क्या बताया आपको गाइस। चलो अब इतना पावन मंथ है चल रहा है, ये सावन का महीना चल रहा है तो भगवान को भी याद करना जरूरी है। ऊपर से आज है सोमवार का दिन और महादेव का दिन, कट्टर हिंदू तो महादेव को याद भी तो करना चाहिए। तो चलो अब महादेव को याद बात करते हैं, करना पड़ेगा। ये देखो हमारे भगवान को आज थोड़ा याद करना पड़ेगा इस मंडे, चलो अब भगवान को याद करते हैं।